Good morning, class. In last lecture, we have studied about the canal regulation work, and in the regulation work, we have studied four points actually. सबसे पहले हम लोगों ने canal fall देखा है और उसके अलावा हमने regulator देखा, metering flume देखा है, ठीक है? और हम लोगों को आज जो है पढ़ना है canal outlet के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले What is canal outlet? What is canal outlet? So outlet जो है हमारा canal outlet जो है वो एक तरीके का structure है, ठीक है? जो क्या करता है हमारा जो distributory channel होता है, ठीक है? Distributory channel से पानी जो है वो water courts में जाता है, तो water courts में हम लोग क्या करते हैं outlet को लगाते हैं, ठीक है? ये आउटलेट क्या करता है, एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारा फील्ड होता है जहाँ पे हमें पानी को अल्टीमेटली ट्रांसफर करना है उसको ये क्या करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक? तो अगर कनाल आउटलेट के बारे में बोला जाए तो ये एक तरीके का स्मॉल स्ट्रक्चर है, इट्स अ स्मॉल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट द हेड ऑफ at the head of the water course at the head of the water course so as to connect it with minor और डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, ठीक है? जो आउटलेट है वो आउटलेट एक तरीके का स्मॉल स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है कि जो भी हमारा वाटर कोर्स होता है, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा मेन कनाल है इस मेन कनाल से, सपोज अगर ये मेन कनाल है, इस मेन कनाल से जो भी डिस्ट्रीब्यूटरी अटैच होती है उस डिस्ट्रीब्यूटरी से कई सारी फील्ड जुड़ी होती है, ठीक है? तो वो जो हमारी फील्ड होती है उस फील्ड में ही पानी जो है वो हमको अल्टीमेटली ट्रांसफर करना है, तो वो जो हमारा आउटलेट या मॉड्यूल जो होता है वो क्या करता है कि जो वाटर कोर्स होता है, क्योंकि वाटर कोर्स जो है वो एक तरीके का स्मॉल नैरो चैनल है जिससे पानी जो है वो फील्ड में ट्रांसफर होता है, तो जो वाटर कोर्स है हमारा उस वाटर कोर्स के हेड पे हम लोग आउटलेट को लगाते हैं, ठीक है? तो आउटलेट जो है वो क्या करता है कि पानी को ट्रांसफर करता है कहाँ से, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल होता है उस डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल से वाटर कोर्स में पानी को ट्रांसफर करता है, और हम इसको कहाँ पे लगाते हैं, जो भी हमारा वाटर कोर्स होता है उसके हेड पे हम लोग आउटलेट को लगाते हैं, ठीक? ये जो आउटलेट होता है हमारा, अब देखिए हमारा रिक्वायरमेंट अभी हम आगे बढ़ेंगे कि कनाल आउटलेट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कि हमें किस तरीके का आउटलेट जो है वो प्रोवाइड करना है, बट उससे पहले ये जान लीजिए कि जो कनाल आउटलेट होता है उसका कम्प्लीटली जो कंस्ट्रक्शन, उसका मतलब जो मेंटेनेंस है, उसका ऑपरेशन जो है वो कम्प्लीटली जो है वो कल्टीवेटर पे डिपेंड करता है, जो भी हमारा कल्टीवेटर होता है वही आउटलेट को हैंडल करता है, ठीक है? तो इस वजह से जो इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस और जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग बहुत ही मतलब लो रखते हैं, ठीक? तो ये एक तरीके से एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग वाटर कोर्स के हेड पे बनाते हैं, और ये क्या करता है, जो भी हमारा माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी होता है या जो भी डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल हमारा होता है उससे ये क्या करता है, वाटर कोर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है? ये होता है हमारा कनाल आउटलेट। अगर हम दूसरे भाषा में इसको बोलें तो ये क्या करता है कि फ्लो को रेगुलेट करता है, ठीक है? तो इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर from a bigger channel to a smaller channel, from a bigger channel to a smaller channel, from a bigger channel to a smaller channel, ठीक है? जो एक तरीके से हम अगर बोले तो ये क्या करता है, हमारे फ्लो को रेगुलेट करता है, कहाँ से, बिगर चैनल से स्मॉलर चैनल में लेके जाता है। तो बिगर चैनल मतलब जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी
या माइनर चैनल हो गया वो बिगर चैनल बोलेंगे, ठीक है, और स्मॉलर चैनल मतलब जो भी हमारा वाटर कोर्स में पानी को ट्रांसफर कर रहा है तो वो हमारा स्मॉलर चैनल बोलेंगे। तो एक तरीके से बोले या तो हम ये बोले कि हम वाटर कोर्स के हेड पे लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर से उसको ये कनेक्ट करता है, या फिर ये बोल लीजिए कि फ्लो को रेगुलेट करता है, कहाँ से एक बिगर चैनल से फ्लो को लेता है और उसको स्मॉलर चैनल में रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये जो है मतलब दोनों एक ही बात है, बस अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक। तो ये जो होता है हमारा कनाल आउटलेट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम है, उस डायग्राम से देख लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो ये एक तरीके से हमारा क्या है, मेन कनाल है, ठीक है। इस मेन कनाल से पानी हमको कहाँ पर पहुँचाना है, इस फील्ड में पहुँचाना है। तो ये मेन कनाल से ये क्या जुड़ी हुई है, हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटरी, और इस डिस्ट्रीब्यूटरी से क्या जुड़ा हुआ है, देखिए वाटर कोर्स, ठीक है। तो यही जो है हमारा स्मॉल चैनल जो है ये वाटर कोर्स का है, और इस वाटर कोर्स के हेड पे यहाँ पे हमने कहाँ पे क्या लगाया हुआ है, आउटलेट को, ठीक है। तो अगर हम जब चाहे जो भी ये कल्टिवेटर है, इस फील्ड में पानी जो है वो इसी के थ्रू वाटर कोर्स के थ्रू पहुंचेगा। तो यहाँ पर जब हम चाहें, जब कल्टीवेटर चाहता है तो फिर वो इस आउटलेट को बंद करके अपने फील्ड में जो पानी जा रहा है उसको वो रोक सकता है, ठीक है। तो जब भी इसके पहले जब हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था कि जब हमारा स्केप में कराल स्केप में कि पानी में जब हम जो पानी है हमारा अगर वो एक्सेस अमाउंट में आ रहा है, तो चाहे जैसे मान लीजिए रिवर में पानी आ रहा है और उसी दौरान रिवर से पानी जो है वो मेन कनाल में आ रहा है और मेन कनाल से डिस्ट्रीब्यूटरी से होते हुए वो फील्ड में जा रहा है, तो अगर इसके इसी दौरान अगर मान लीजिए कि कोई हैवी रेनफॉल हो रहा है तो उस हैवी रेनफॉल से पानी जो है वो उसमें चैनल में एक्सेस अमाउंट में आ गया, ठीक है। तो जो रेन वाटर की वजह से अगर हमारा फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में कल्टीवेटर के जो फील्ड होती है उस फील्ड में भी पानी जो है वो ज़्यादा पहुँचने लगता है। तो वाटर लॉगिंग को अवॉइड करने के लिए जो कल्टीवेटर है वो क्या करता है, ये जो आउटलेट लगा होता है उसके वाटर कोर्स को, उसी को वो क्लोज कर देता है। तो जब आउटलेट को वो क्लोज कर देगा तो फिर यहाँ पे फ्लो को क्या करेगा, स्टॉप करके फील्ड में पानी जो है वो नहीं जाएगा। तो ये जो पूरी तरीके से आउटलेट है वो किसके कंट्रोल में है, जो कल्टीवेटर रहता है उसके कंट्रोल में होता है। और ये क्या करता है कि जब भी हमारे इसके फील्ड में पानी जो है वो एक्सेस से ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, इसके फ्लो को स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो वो फ्लो को वो कैसे स्टॉप करेगा, इस आउटलेट को क्लोज कर। तो ये जो है एक तरीके से पूरी तरीके से कनाल आउटलेट के बारे में है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे कनाल आउटलेट की, किस तरीके का कनाल आउटलेट जो है वो होना चाहिए। आते हैं कि व्हाट आर द गुड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हमारे जो एक गुड आउटलेट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कि वो जो हमारा अगर आउटलेट है तो वो किस तरीके का जो है वो होना चाहिए, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड मॉड्यूल। हमारे गुड मॉड्यूल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर हमारा आउटलेट किस तरीके का, मतलब जो है हमारा आउटलेट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला कि आउटलेट जो है वो सफिशियंटली स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, उसका कोई भी पार्ट जो है वो ऐसा ना हो कि वो मूविंग हो या डैमेज हो या किसी तरीके का कोई, उसको एक टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की उसकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो आउटलेट जो हो वो सफिशियंटली फिक्स होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि जब भी चाहें हम उसके फ्लो को, क्योंकि हम आउटलेट यूज किस लिए कर रहे हैं, फ्लो को स्टॉप करने के लिए। तो वाटर कोर्स में जब भी हम लोग आउटलेट को लगाते हैं तो उसको हम लोग लगाते हैं इसीलिए कि अगर हमें जब भी जरूरत होगी तो हम फ्लो को रोक सकेंगे, फ्लो को कंट्रोल कर सकेंगे। तो ऐसे में उसका स्ट्रांग होना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं से भी वो मूवेबल हुआ या तो कहीं से भी अगर वो डैमेज हुआ तो अगर हम आउटलेट को क्लोज भी करेंगे फिर भी उसमें से पानी जो है वो लीक करता रहेगा। ठीक है, इस वजह से हमारा जो आउटलेट है वो सफिशियंटली स्ट्रांग होना चाहिए और इस तरीके का होना चाहिए कि उसको कोई भी पीरियोडिक मेंटेनेंस की जो जरूरत है वो ना हो, कि उसको टाइम टू टाइम हमको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, उसमें कोई अदर कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारे आउटलेट का कि फिक्स होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक, सेकेंड जो हमारा पॉइंट है कि इस तरीके का डिजाइन होना चाहिए कि उसके फंक्शनिंग के साथ, क्योंकि जो हमारा ऑपरेशन कर रहा है, जो उसको मतलब कनाल आउटलेट को जो यूज करता है वो फार्मर यूज करता है, तो वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए उसकी फंक्शनिंग की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनिंग ना हो, फंक्शनिंग बिल्कुल आसान रहेगी तो ही फार्मर जो है उसको डील कर पाएगा। तो इस तरीके का डिजाइन होना चाहिए कि अगर उसके साथ किसी तरीके की कोई जो है छेड़छाड़ भी की जाए उसके, तो वो इजिली डिटेक्टेबल हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि उसमें कुछ अगर थोड़ी बहुत खराबी आती है तो वो डिटेक्टेबल ना हो और वो जो कल्टीवेटर है उससे वो ऑपरेट ना हो सके। ठीक है, तो उसकी फंक्शनिंग भी इस तरीके की होनी चाहिए कि वो बिल्कुल इजिली एंड सिंपली जो है वो फंक्शनिंग उसकी हो, और अगर किसी तरीके का कोई उसमें प्रॉब्लम हो तो वो डिटेक्ट हो जाए। ठीक, एक तो कनाल की ये रिक्वायरमेंट हो गई। थर्ड जो है कि क्योंकि हमको देखिए अब क्या होता है कि कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो जुड़ी हुई थी, इस तरीके से अगर हम देखें तो जितनी डिस्ट्रीब्यूटरी होंगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी होंगी उससे भी कहीं ज्यादा नंबर ऑफ जो है हमारा वाटर कोर्स होगा। तो वाटर कोर्स भी जितना ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा हमको कनाल आउटलेट भी लगाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कनाल आउटलेट की जरूरत है। तो जितना ज्यादा हमको आउटलेट की जरूरत है, इतनी ज्यादा अमाउंट में जरूरत है, तो उसका चीप होना बहुत जरूरी है कि वो कम से कम कॉस्ट में आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात आते हैं, जो डिजाइन हो वो इतनी मतलब इस तरीके के सिंपल हो कि उसको जो लोकल टेक्नीशियन है वो या फिर कोई जो भी लोकल मेसॉन्स हो वो उनको डील कर सके। ठीक है, वो उनको कंस्ट्रक्ट कर सके, उनको मेंटेनेंस कर सके, उससे बहुत ज्यादा हाई या फिर स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट ना हो, उसकी डिजाइनिंग इतनी सिंपल हो कि उसको लोकल टेक्नीशियंस के द्वारा भी उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सके, क्योंकि लार्ज नंबर में चाहिए और जो फील्ड है वो हमारा जिस भी विलेज में है या जिस भी एरियाज में है, आउटर एरियाज में, तो वहाँ पर इजिली वो उसकी इजिली मतलब वो कंस्ट्रक्ट हो सके, तो वो उसकी डिजाइन भी जो है वो सिंपल होनी चाहिए। उसके बाद सबसे मेन चीज ये होती है कि अगर हमारा मान लीजिए वर्किंग है, अगर पानी जो है वो हमारा बहुत कम भी अवेलेबल है अगर, तो उसमें भी वो वर्क जो है वो करना चाहिए और इफिशियंटली वर्क करें, कि अगर हमारा स्मॉल वर्किंग हेड भी है, क्योंकि अगर ज्यादा हेड है और फिर तो वो काम कर रहा है तो सही बात है, लेकिन अगर मिनिमम टू मिनिमम हेड भी है तो उसका ऑपरेशन जो है वो इजीली हो सके और वो इफिशियंटली वर्क कर सके। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा देखिए क्या होता है, तो जो फार्मर होता है हमारा, फार्मर जो है वो ये चाहता है कि जो आउटलेट है, ठीक है, वो हमें कॉन्स्टेंट फेयरली डिस्चार्ज दे सके, मतलब वो फार्मर हमेशा यही चाहेगा कि जो भी हमारा आउटलेट हो वो इस तरीके का हो कि वहाँ से पानी जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आ सके। ठीक, लेकिन क्या होता है कि अगर ये तो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ कि वो चाह रहा है कि हमारा जो डिस्चार्ज है वो कॉन्स्टेंटली आए, बिल्कुल फेयरली कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज जो है वो हमेशा आए, लेकिन अगर हम एक रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि अब जब हम कनाल रेगुलेशन वर्क परफॉर्म करते हैं तो उस दौरान सिर्फ हमें एक ही कल्टिवेटर को तो देना नहीं होता है पानी, हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी देना होता है और बहुत सारे फार्मर्स और कल्टिवेटर्स को भी देना होता है। तो जो फार्मर होगा वो चाहेगा कि उसको, हर फार्मर यही चाहता है, हर कल्टिवेटर यही चाहता है कि उसको फेयरली कॉन्स्टेंट अमाउंट में जो है वो डिस्चार्ज मिलता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा कनाल रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आउटलेट जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि चाहे वो मोर और लेस जिस भी तरीके का डिस्चार्ज हम उसके पास अवेलेबल हो पा रहा है,
जो भी मोर और लेस जितना भी डिस्चार्ज अवेलेबल है तो वो उस बैरिंग सप्लाई के साथ भी परफॉर्म कर सके, ठीक है। क्योंकि कभी अगर हमारे रेगुलेशन वर्क में ज्यादा पानी आ रहा है, कभी कम पानी आ रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर सके, ठीक है। तो मोर और लेस जितना भी आ रहा है उतना वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वेरिंग सप्लाई के साथ भी आ रहा है, तो भी आउटलेट जो है वो उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करके काम कर सके, चाहे ज्यादा पानी आ रहा हो तो भी, चाहे कम पानी आ रहा हो तो भी। हालांकि फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो यही चाहता है कि हमें कॉन्स्टेंटली फेयरली डिस्चार्ज मिले, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो वाटर है उसका वेरिएशन तो वो मिलता ही रहेगा। तो रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ नहीं, रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मोर और लेस जो भी अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है उसके साथ वो जो है डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल के साथ जो बैरिंग सप्लाई आ रहा है उस बैरिंग सप्लाई को भी डील कर सके, ठीक है। तो ये जो थे हमारे कुछ रिक्वायरमेंट है कि किस किस तरीके का हमारा आउटलेट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे कि कितने टाइप का आउटलेट जो है वो होता है, एक्चुअली में कितने टाइप का आउटलेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ आउटलेट, टाइप ऑफ आउटलेट। सबसे पहले टाइप है हमारे पास नॉन मॉड्यूलर, बेसिकली अगर देखें तो टाइप ऑफ आउटलेट में हमें तीन तरीके का आउटलेट मिलेगा। सबसे पहला है हमारे पास नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, सेकंड टाइप है हमारा सेमी या फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ आउटलेट, और थर्ड है हमारा रिजिड टाइप ऑफ आउटलेट। तो क्योंकि हमको तीनों के बारे में वन बाय वन पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉन मॉड्यूलर आउटलेट के बारे में, ठीक है। तो जैसे कुछ कुछ जैसे कि ऑरिफिस मीटर हो गया या ऑरिफिस हो गया या फिर आपका वेंचुरी मीटर हो गया या फिर आपका गिब्स रिजिड मॉड्यूल हो गया, तो ये सब के सब जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके के आउटलेट का यूज करके ही जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इन तीनों में किन किन तरीके, मतलब और भी बहुत सारे हैं जिनमें किस किस तरीके का हम मॉड्यूलर या आउटलेट जो है लगाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग नॉन मॉड्यूलर आउटलेट के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन मॉड्यूलर आउटलेट जो है वो क्या होता है और इसको किस चीज पे वर्क करता है और इसको किस में लगाया, कंस्ट्रक्ट किया गया है, किस में लगाया गया, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, तो जो सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा वो हमारा नॉन मॉड्यूलर टाइप ऑफ आउटलेट। तो नॉन मॉड्यूलर टाइप ऑफ आउटलेट क्या होता है, तो जैसे कि पानी जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल से कहाँ पे आ रहा है, वाटर कोर्स में, ठीक है। तो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट में डिस्चार्ज जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले नॉन मॉड्यूलर आउटलेट में डिस्चार्ज डिपेंड करता है हमारा जो भी डिफरेंस होता है, डिफरेंस उसका हेड का, ठीक है, जो भी वाटर हेड होता है उसका डिफरेंस कहाँ पे, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल होता है और वाटर कोर्स होता है। क्योंकि देखिए जो भी हमारा मेन कनाल होगा, इससे पहले जो हमने आउटलेट का स्ट्रक्चर बनाया था तो मेन कनाल था, उस मेन कनाल से हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूटरी जुड़ा था, उस डिस्ट्रीब्यूटरी से क्या अटैच था, फीड, ठीक है। तो ये मेन कनाल से पानी जो है वो कहाँ पे आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरी में, डिस्ट्रीब्यूटरी से कहाँ जा रहा है, फीड में। तो ये जो हमारा नॉन मॉड्यूलर टाइप ऑफ आउटलेट है इसमें क्या हम देखते हैं कि जो हेड आया है हमारा, हेड का डिफरेंस चेक कर रहे हैं, हेड का डिफरेंस किस में, डिस्ट्रीब्यूटरी में और वाटर कोर्स में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर, अब डिस्ट्रीब्यूटरी से अगर पानी, पहले तो मेन कनाल से पानी डिस्ट्रीब्यूटरी में आएगा, तो मेन कनाल से जो है वो हमारी कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरी जुड़ी होती है,
तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम देखें तो किसमें आता है, मेन गदान में। फिर उसके बाद से कहाँ जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरी में जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरी से कहाँ जा रहा है, वाटर कोर्स में जा रहा है। तो अगर एक मेन कनाल से कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज अटैच हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट किस में आएगा, डिस्ट्रीब्यूटरी में आएगा। फिर उससे कम, अब एक डिस्ट्रीब्यूटरी से कई सारे वाटर कोर्स जुड़े हुए हैं तो अब वहां से पानी जो है वो कई सारे वाटर कोर्सेज में डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या करता है हमारा नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, ये उसमें क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है वो किस पर डिपेंड होता है, जो भी हमारा डिफरेंस होगा हेड का, जो भी वाटर हेड होगा उसका डिफरेंस कहाँ से, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल होगा उसमें से जो हमारा वाटर कोर्स होगा उसमें कितने हेड का डिफरेंस आ रहा है, उसी पे इसका जो डिस्चार्ज है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर सिंपल भाषा में हम देखें तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है कि नॉन मॉड्यूलर आउटलेट आर दोज इन विच जो हमारा डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन द व्हाट, जो डिफरेंस आ रहा है हेड का बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल एंड द वाटर कोर्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल से वाटर कोर्स में जाते हुए जितना भी हमारा हेड का डिफरेंस आ रहा है उसी वही जो है हमारा नॉन मॉड्यूलर आउटलेट जो है कहलाएगा। और ये क्या करता है, इसमें नॉन मॉड्यूलर आउटलेट में दोनों चीजों पे डिस्चार्ज जो है वो डिपेंड करेगा, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी होगा या फिर जो भी हमारा वाटर कोर्स होगा, ठीक है। इन दोनों के हेड में जो डिफरेंस होगा वही हमारा नॉन मॉड्यूलर आउटलेट का जो डिस्चार्ज है वो उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए जो भी हमारा नॉन मॉड्यूलर टाइप ऑफ आउटलेट है, वो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट हमने क्या देखा है कि दोनों के हेड पे तो डिफरेंस कर रहा है। अब अगर दोनों के हेड पे डिफरेंस कर रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी से जो है हमारा पानी कितने वाटर कोर्स में जा रहा है अगर उस पर ये डिपेंड करेगा, तो जैसे मान लीजिए कि जो भी हमारा, अब ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड, अगर उस पर तो डिस्चार्ज डिपेंड कर ही रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटरी में जो भी हमारा अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है, अगर उसमें हमारा वाटर लेवल अगर डिस्ट्रीब्यूटरी में फ्लक्चुएट करता है या फिर वाटर कोर्स में पानी जो है अगर वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वाटर लेवल जहाँ फ्लक्चुएट किया चाहे तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी में करे या फिर वो वाटर कोर्स में करे, कहीं पर भी अगर ये फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा जो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट है वो भी इसके साथ वेरीज करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों जो है वो नॉन मॉड्यूलर टाइप ऑफ आउटलेट में डिस्चार्ज किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरी पे और वाटर कोर्स के हेड पे। तो वाटर कोर्स में भी अगर वाटर लेवल में चेंज करेंगे या फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों में से अगर किसी में भी वाटर लेवल में अगर हम चेंज करेंगे तो उसके साथ ही हमारा ये जो है नॉन मॉड्यूलर टाइप ऑफ आउटलेट में ये भी जो है वेरी करने लगता है, ठीक है। अब अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हमारा जो नॉन मॉड्यूलर टाइप ऑफ आउटलेट है वो हमारा जैसे कि अगर हम ओपन स्लीव्स देखें या फिर सबमर्ज पाइप आउटलेट में देखें या फिर ऑरिफिस हीटर में देखें, ये सब के सब जो है उसमें नॉन मॉड्यूलर टाइप ऑफ आउटलेट जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो था हमारा नॉन मॉड्यूलर टाइप ऑफ आउटलेट। नेक्स्ट है हमारा सेमी मॉड्यूलर या फिर उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल आउटलेट, सेमी मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल आउटलेट, सेमी मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल आउटलेट। अब देखते हैं कि सेमी मॉड्यूलर या फ्लेक्सिबल आउटलेट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा सेमी मॉड्यूलर या फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ आउटलेट है, इसमें जो डिस्चार्ज है वो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटरी है
उस पे तो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो हमारा वाटर कोर्स होता है उस वाटर कोर्स के फ्लक्चुएशंस पे उस पे प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर हम जो क्योंकि जो सेमी मॉड्यूलर या फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ऑपरेट है उसमें डिस्ट्रीब्यूटरी पे तो ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी में अगर वाटर लेवल जो है अगर उसको हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो वो उस पे जो फर्क जो है वो उस पे नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारा वाटर कोर्स है अगर उसमें हम किसी तरीके का कोई फ्लक्चुएशन लाते हैं तो उसके फ्लक्चुएशन की वजह से जो हमारा सेमी मॉड्यूलर टाइप ऑफ ऑपरेट है वो प्रभावित होता है, ठीक है। तो इससे तो ये इफेक्ट करेगा। अब जो इसमें कुछ कुछ जो हमारा सेमी मॉड्यूलर टाइप ऑफ आउटलेट है इसमें जैसे कि ओपन फ्यूम आउटलेट में जो है हमारा सेमी मॉड्यूलर टाइप ऑफ आउटलेट जो है हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारा कैनेडी गेज आउटलेट में भी जो है उसमें हमारा किस तरीके का सेमी मॉड्यूलर या फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ आउटलेट लगा हुआ है। तो सेमी मॉड्यूलर का मतलब ये हुआ कि कुछ किस पे ये इंडिपेंडेंट है, डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स पे तो ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन वाटर कोर्स में जो फ्लक्चुएशन होगा वो जो है उस पे ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने जो इसके पहले नॉन मॉड्यूलर में पढ़े थे उसमें किसी में भी डिपेंडेंसी नहीं थी, वो जो थे वो दोनों मतलब डिपेंडेंसी जो था वो दोनों में था, वाटर कोर्स में भी था डिस्ट्रीब्यूटरी में भी था। उन दोनों पे ही अगर हम जो उसके वाटर लेवल में चेंज कर रहे थे तो फिर उस पे हमारा जो नॉन मॉड्यूलर है वो भी वैरी कर रहा था। जो हमारा सेमी मॉड्यूलर या फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ आउटलेट है इसमें डिस्ट्रीब्यूटरी पे ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और जो वाटर कोर्स का चैनल है उस पे वो डिपेंडेंट है। यानी कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटरी में किसी तरीके का कोई वाटर लेवल में चेंज करेंगे तो फिर उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वाटर कोर्स में होगा तो फिर उस पे अफेक्ट आएगी, ठीक। ये हमारा ओपन फ्लूम आउटलेट या फिर कैनेडी गेज टाइप ऑफ आउटलेट, इन दोनों में जो है वो हमारा सेमी मॉड्यूलर टाइप ऑफ आउटलेट जो है या फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ आउटलेट के बेस पे ही इसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा आउटलेट है उसको वो है हमारा रिजिड आउटलेट। रिजिड आउटलेट, ठीक है। तो रिजिड आउटलेट में क्या है, इट मेंटेन्स कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज Within the limits. Rigid outlet जो है वो उसमें क्या है कि हमारा rigid outlet में क्या है, ये एक तरीके से देखा जाए तो एक constant discharge इसमें जो है उसको ये maintain करता है एक limits तक, ठीक है। मतलब जो fluctuation है वो एक limit तक इसमें allowable है, लेकिन उसके बाद जो है ये fluctuations के अकॉर्डिंगली वैरी करता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो डिस्चार्ज होता है उसको कांस्टेंट करके चलता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसमें जो गिब्स आउटलेट मॉड्यूल है, गिब्स आउटलेट मॉड्यूल ये जो है हमारा रिजिड टाइप ऑफ आउटलेट पे वर्क करता है, ठीक है। तो अगर हम तीनों में देखें कि नॉन मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर और रिजिड में, तो नॉन मॉड्यूलर में क्या है आपका कि दोनों पे डिपेंडेंट है, दोनों पे वेरी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरी पे भी वाटर कोर्स में भी, दोनों में अगर हम राइज करते हैं तो दोनों की वजह से नॉन मॉड्यूलर पे जो है वो भी वेरी करता है। सेमी टाइप ऑफ में हमने क्या देखा, सेमी मॉड्यूलर में या फ्लेक्सिबल आउटलेट में उसमें ये था कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उस पर ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन वाटर कोर्स चैनल पे ये डिपेंडेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूटरी भी अगर हम किसी तरीके का कोई वाटर लेवल राइज या फॉल करेंगे तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है हमारे वाटर कोर्स पे उस पर अफेक्ट आता है, ठीक। और रिजिड टाइप ऑफ आउटलेट में क्या है, ये कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज को प्रमोट करता है लेकिन विद इन द लिमिट्स, ठीक है। तो ये जो थे हमारे कुछ रिजिड आउटलेट था, ठीक है, टाइप ऑफ आउटलेट। अब कुछ कुछ हमें इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर जैसे कि किन किन चीजों पे कुछ के बेसिस पे कुछ टर्म्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग आउटलेट को जो है जज करते हैं कि किस तरीके का आउटलेट जो है वो उन पे क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंडेंस है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, सेंसिटिविटी, प्रोपोर्शनैलिटी, हाइपर प्रोपोर्शनैलिटी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनसे हम लोग जो आउटलेट होता है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, ठीक है। तो वो जो आउटलेट है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, सेंसिटिविटी क्या है और किस बेसिस पे हम लोग उसको चेक करते हैं, ठीक है। जो हमारा आउटलेट या मॉड्यूल होता है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम लोग
कल जो है उसके डेफिनेशन और उसका जो है डेरिवेशन वो दोनों ही देखेंगे, ठीक है? टिल देन थैंक यू।